तो आ रहा है इसमें पीछे तक, मैं कब दिखाऊंगा आपको सर। टनल तो आ रहा है, ऐसा है कि पहले ही ट्रैफिक हेडक्वार्टर की जानिब से एक एडवाइजरी हमने दी थी थ्रू प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कि फर्स्ट और दो तारीख को वादी में आलमोस्ट और बिलखसूस यहाँ जवाहर टनल में बर्फबारी होने का इम्कान है। तो इस सिलसिले में हम पहले ही से अलर्ट थे और कल रात 12 बजे से ही यहाँ पर जवाहर टनल में बर्फबारी शुरू हो गई और जो कि अभी तक आप खुद देख रहे हैं कि अभी तक जारी है और यहाँ पर कोई 5 से 6 इंच बर्फ जमा हो गई थी सुबह से। और कीपिंग इन व्यू द स्लिपरी कंडीशन ऑफ द रोड, ट्रैफिक को अलाउ नहीं किया गया जी। कैसे थी बीकन को लेकर रोड को क्लियरेंस भी की थी, रोड को पूरा क्लियर किया था, लेकिन जैसे हमने फैसला किया कि जो फिलहाल 600 व्हीकल्स बानिहाल की तरफ बानिहाल में पड़ी हैं उनको यहाँ वैली की तरफ आने देंगे हम, लेकिन उसी के साथ दोबारा बर्फबारी हो गई यहाँ पर स्टार्ट और तेज़ हवाएं भी चल रही हैं जिससे कभी इम्कान है कि अगर गाड़ियों को अलाउ करेंगे तो खतरा है, रिस्क है, एक बहुत बड़ी रिस्क, मतलब किसी को भी खतरा हो सकता है। एक गाड़ी सुबह हमने कोशिश की है रोड की, तो हमारी मैसेज ये रहेगी कि जब तक मौसम साजगार नहीं हो जाएगा और हमें अलाउ नहीं करेगा मौसम और रोड कंडीशन, तब तक हम कम्यूटर से गुजारिश करते हैं कि उनके पास ऑलरेडी हमारे नंबर जो हैं कंट्रोल रूम के और हमारे आईजी साहब का ट्रैफिक हेडक्वार्टर का है, एसएसपी ट्रैफिक रोलर का है, डीएसपी ट्रैफिक कुल हमारा काजीगंज का और मेरा नंबर भी उनके पास है। तो सफ़र में जाने से पहले हम उनसे गुजारिश करते हैं कि पहले वो हमारे साथ कांटेक्ट करें, जैसे ही हमारा रोड कंडीशन ठीक हो जाए और मौसम साजगार हो जाएगा तो हम आज जम्मू से श्रीनगर के लिए ट्रैफिक का जो हमारा प्रोग्राम था तो हम अलाउ करेंगे। पहले प्रेफरेंस प्रायोरिटी तो जम्मू से श्रीनगर तक।